आखिर मैं इस प्रोग्राम को शुरू करता हूँ, बात तवील होती जा रही है, बोलने पे आया जाए, हुजूर की बात करने करने पे आया जाए, अल्लाह का जिक्र करने पे आया जाए तो पूरी रात कम पड़ जाएगी। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूँ और बिला ताखीर एक नाटक को आपके सामने पेश करता हूँ। मैं एक नन्हे से बच्चे को आपके सामने पेश करूंगा, एक खूबसूरत आवाज, मोहतरम लबों लहजा, बहुत ही प्यारा अंदाज। मेरी मुराद है सादिक मौवी से, गुजारिश कर रहा हूँ मुल्तमिसों के माइक पे तशरीफ ले आए और नातिया कलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत मआब में नजराना अकीदत पेश करें। सादिक मौवी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इज्जत बाप आले जनाब सदर मोहतरम, लायके सदर एतरा, उलमा इकराम और मौजा सामे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बारगाह रिसालत मआब पे हदीये नात पेश करता हूँ, बहुत बड़ी खास वादा करें जी। अता रहमत हक का प्यारा हमारा नबी, रहमत हक का प्यारा हमारा नबी, अमीना का दुलारा हमारा नबी, रहमत हक का प्यारा हमारा नबी, रहमत हक का प्यारा हमारा नबी, अमीना का दुलारा। भाई बोनी तगड़ी हुई, सदरे बावकार ने शुरुआत बहुत खूबसूरत की। वफा जो देखनी हो तो बिलाल की देखो, वफा जो देखनी हो
सवाल आपके हवाले से पेश करता हूँ। मैं ऐसे ही शमशाद भाई के हवाले से पेश करता हूँ, बहुत तरीका से लड़ा करें। पेश करता हूँ, वो तो नहीं खास लाने करे। हाँ रहे तो भाई क्या कहने। अगर मैं छेड़ दूँ, अगर मैं छेड़ दूँ नाते रसूल खालिक, अगर मैं छेड़ दूँ, अगर मैं छेड़ दूँ चंद पत्ता हाजिर करता हूँ, चंद से हाजिर करता हूँ। दुनिया को सादिक मौवी नातिया कलाम पेश कर रहे थे। मुझे गुजारिश करनी है कि तमाम शोराए किराम जो डाइस पे बैठे हैं वो इस बात का लिहाज रखें कि ये नातिया महफिल है और यहाँ पे नातिया अशआर ही पढ़ेंगे, क्योंकि इंतजामिया का ये हुक्म है कि आज के इस मुशायरे में किसी भी और सिंफ की शायरी नहीं होगी, सिर्फ नात पढ़ी जाएगी, हमदिया कलाम पढ़े जाएंगे और मनकबत के अशआर पढ़े जाएंगे। कोई भी और सिंफ यहाँ पे अगर इस्तेमाल न की जाए तो बेहतर होगा। तमाम शोरा से गुजारिश करूँगा और इसी के साथ साथ हजरात